नमस्कार, मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है एंड हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है वी फॉर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। हमारी ये एनजीओ 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी और तब से हमने कुछ छोटे बड़े कार्य करते हुए आज ये 2023 आ चुका है एंड अभी भी हमने कुछ नई नई चीज़ें अपनी एनजीओ में जोड़ी हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने हमारी एनजीओ स्टार्ट करी थी उसमें हम लोगों ने चिड़ियाओं के लिए बर्तन बांटने स्टार्ट करे थे एंड चिड़ियाओं के बर्तन भी हम ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कहीं पे लोकेशन पे जाके चिड़ियाओं के बर्तन रख दिए और कोई आएगा लेके चला जाएगा, नहीं, हमने डोर टू डोर गए, उन चिड़ियाओं के बर्तनों का यूसेज क्या है, उन्हें उनका बेनिफिट सबको बताते हुए हम लोगों ने वो चिड़ियाओं के बर्तन डोर टू डोर जाके डिस्ट्रीब्यूट करे। फिर हम लोगों ने कभी कभी जल वितरण किया और पेड़ लगाए एंड फिर हम लोगों ने सोचा पेड़ हम लोग लगाएंगे कितने, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट करे। हम लोगों ने तुलसा जी के पौधे डिस्ट्रीब्यूट करे। हम एजुकेशन फील्ड में रहे, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करते रहे कि एजुकेशन, जो हमारे एनजीओ में आज तक मेंबर्स रहे हैं वो भी हमारे जो सेंटर है हमारा उसी के बच्चे रहे। और जो हम एजुकेशन फील्ड में, बेसिकली हम हैं तो एजुकेशन फील्ड में 2013 से, बट अब हमने अपना एजुकेशन फील्ड पूरा का पूरा कम्प्लीटली अपनी एनजीओ को डेडिकेट कर दिया है। तो जिस कोर्सेज के हम पहले चार्जेस लेते थे अब सेम कोर्सेज हम लोगों ने हमारी एनजीओ के थ्रू कम्प्लीटली फ्री कर दिए। ये हम लोगों को क्वेश्चन अराइज होता है, सब पूछते हैं कि आपने ये सब चीज़ें फ्री क्यों कर दी। भाई आपका सेंटर है, आप सेंटर से कर रहे थे, पैसे आ रहे थे, तो अब आपने फ्री क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाए। आज तक हम लोगों ने अपने सेंटर के थ्रू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ाया और 90% बच्चा हमारा प्लेस्ड भी रहा। हम ये नहीं कह रहे कि सभी बच्चा प्लेस हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई हम खुदा नहीं है। कुछ बच्चा प्लेस होता भी है, कुछ बच्चा अपना भी करता है, कुछ ना कुछ बच्चों में भी कमी रहती है, कुछ ना कुछ हम में भी कमी रहती है। बट अब हम लोगों ने क्या किया है कि हमने अपना एजुकेशन फील्ड कम्प्लीटली एनजीओ को डेडिकेट कर दिया। नाउ कोई भी बच्चा पढ़ता है तो हम लोग उससे कोई चार्जेस नहीं ले रहे। अभी हम लोगों ने रिसेंटली 23 जनवरी से हम लोगों ने अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, लाइक इस टाइम जो हमारे पास बच्चे हैं वो 12 स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वो कर रहे हैं और उनसे हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। अब काफ़ी बंदों के दिमाग में ये थिंकिंग आती है कि जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहे होंगे जिस लेवल पे पैसे लेके पढ़ाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो कोर्स हमारे सेंटर में हमारे डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी के थ्रू कराया जा रहा था, सेम ही कोर्स कम्प्लीटली हम अपनी एनजीओ के थ्रू भी करवा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को डिजिटल जब हमारी सेंटर से पढ़ रहे थे तो उसमें ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इसमें कम पढ़ाया जाएगा, नहीं, सेम है। गूगल सर्टिफिकेशन हमारी सेंटर की तरफ से भी हो रहे थे, हमारी एनजीओ की तरफ से भी होंगे। जब हमारी ये पूरा का पूरा 3 महीने का कोर्स रहेगा बच्चों के लिए और ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं देना। इसमें सर्टिफिकेशंस वगैरह का भी बच्चों को कोई चार्ज नहीं देना। जो गूगल सर्टिफिकेशन होंगे या और किसी कंपनी के थ्रू सर्टिफिकेशन होंगे, मेटा के सर्टिफिकेशन है, मोस के सर्टिफिकेशन है, वो सब सर्टिफिकेशंस जो बच्चों को फ्री रहते हैं वो फ्री ही रहेंगे, कोई उसके चार्जेस नहीं देने। और साथ ही साथ हम बच्चों की जॉब लगवाने में भी सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हर बच्चे की जॉब लगेगी, लेकिन हाँ मैं इस बात का एश्योरेंस लेता हूँ जिस लेवल पे हम कंपनी के थ्रू करवाते थे उसी लेवल पे हम अपनी एनजीओ के थ्रू भी करवाएंगे। अभी लास्ट जो हमारा बैच रहा था कंपनी में हमारा, उसमें भी केवल 2 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, बाकी सब बच्चों का कंप्लीटली प्लेसमेंट रहा है। अगर किसी को ये जानना है किस किस का कहाँ कहाँ हुआ तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए तैयार हूँ या उन बच्चों से भी बात करवाने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। बट मैं इस वीडियो में कोई सफाई या कुछ नहीं देना चाहता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारे सेंटर में, बेसिकली हमारे सेंटर में नहीं कह रहा मैं, हमारे एनजीओ के थ्रू ये कोर्सेज अब कम्प्लीटली फ्री हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है। इसमें हम लोगों ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि कोई गरीब बच्चा ही पढ़ेगा कि या कोई मिडिल क्लास बच्चा नहीं पढ़ सकता या हायर क्लास का बच्चा नहीं पढ़ सकता, कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है। इसमें कोई हमारी तरफ से कोई बाउंडेशंस नहीं है, बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए सो दैट हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए और उस बच्चे को पढ़ने में भी मज़ा आए। अच्छा, कितने बच्चे इस समय हमारे एनजीओ में हैं इस समय? अगर हम मेंबर्स की बात करें या कोर्सेज की बात करें, मेंबर्स की बात करें तो जो मेन 7 मेंबर्स हैं उससे अलग हमारे एनजीओ में अभी 22 मेंबर्स और हैं और जितने ज़्यादा मेंबर्स बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा अपना टारगेट भी लेके चलेंगे। क्योंकि अभी कोई भी हमसे पूछता है कि आपका टारगेट क्या है, आपने ये एनजीओ स्टार्ट करी है तो करी क्यों है या आपका एम क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो
अगर मैं एक शॉर्ट टर्म एम बताना चाहूँगा और एक लॉन्ग टर्म एम बताना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म एम हमारा ये है कि हम मेरठ जैसी लोकेशन, मेरठ अपने शहर में ही कम से कम चार डिफरेंट लोकेशंस पे अपना सेंटर रखना चाहते हैं, और हर एक सेंटर में हम टारगेट रखेंगे कि हर महीने 250 बच्चों को हम पढ़ा पाएँ। सो उस अकॉर्डिंग हमारा देखा जाए तो एक महीने में चार सेंटरों से 1000 बच्चा हम लोग पढ़ा पाएंगे। 1000 बच्चों को पढ़ाने का मतलब हर महीने, दैट मीन्स हम साल में 12000 बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब आप भी मानते हैं कि अगर हमने किसी बच्चे को पढ़ाया है, वो शिक्षित हुआ है, वो जॉब कर पा रहा है, तो इससे अच्छा आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा शिक्षित हो रहा है और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्न कर पा रहा है, तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हम किसी के लिए कर सकते हैं। और अभी हमारे पास मेंबर्स, आपको मैंने जैसे कहता 22 मेंबर्स हैं, और अगर हमारे को पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, पब्लिक हमारे साथ जुड़ती है, एनजीओज में जुड़ती है, वॉलेंटियर्स ऐड होते हैं, तो हमारा टारगेट ऑल ओवर यूपी का है। ऑल ओवर यूपी का क्या टारगेट है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक माइनर स्टेज पर बात करते हैं, तो हमारा टारगेट है कम से कम हम ऑल ओवर यूपी एटलीस्ट 100 सेंटर्स अपने इस तरीके के सेटअप कर पाएँ जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ।